नमस्कार, मैं हूं राखी सिंघल और आप देख रहे हैं एशिया नेट न्यूज हिंदी। गरीबी में बचपन, माँ घरों में नौकरानी और पिता मजदूर, ये कहानी है देश के सबसे युवा साफिन हसन की, जो महज 22 साल की उम्र में आईपीएस अधिकारी बने। ये कहानी है जज्बे की, मेहनत की, लगन की और निष्ठा की। जो सोच लिया वो ठान लिया और जो ठान लिया वो करके दिखाया। बचपन का एक ऐसा वाकया जिसने साफिन हसन को बचपन में ही बड़ा कर दिया था। जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोल भी नहीं पाते, उस उम्र में साफिन हसन ने ये तय कर लिया था कि उन्हें क्या बनना है। दरअसल बचपन में साफिन अपनी मौसी के साथ एक स्कूल में गए थे। वहाँ एक फंक्शन चल रहा था जिसमें एक व्यक्ति चीफ गेस्ट बनकर पहुँचे थे। उनका स्वागत सत्कार देखकर साफिन बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी मौसी से एक सवाल किया। उन्होंने पूछा कि ये कौन है। उनकी मौसी ने कहा कि ये आईपीएस अधिकारी हैं। बस यही वो दिन था जिस दिन साफिन ने ये तय कर लिया कि उन्हें क्या करना है। गुजरात के छोटे से गांव कड़ुदरा में जन्म लेने वाले साफिन हसन ने 570वीं रैंक लाकर आईपीएस की परीक्षा पास की। जितना आसान ये कहना है उतना ही कठिन था साफिन का ये सफ़र। घर में गरीबी थी, पिता मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी, लेकिन साफिन ने हर चुनौती को स्वीकार किया, कभी हार नहीं मानी। फिर चाहे वो यूपीएससी के पेपर के दौरान हुआ एक्सीडेंट हो जिसमें साफिन के हाथ और पैर दोनों में चोट आई थी। दर्द असहनीय था, चला भी नहीं जा रहा था और ना लिखा जा रहा था, लेकिन साफिन नहीं रुके। उन्होंने दर्द को नकार दिया, एक पेन किलर उन्होंने खाई और परीक्षा की चुनौती को पूरा किया। या फिर इंटरव्यू के दौरान बुखार से तपता शरीर हो। साफिन अस्पताल में भर्ती थी। बुखार इतना तेज था कि बेड से उठना भी मुश्किल था। डॉक्टर ने साफिन को एक इंजेक्शन लगाया और आराम करने की सलाह दे दी, लेकिन साफिन बेड से उठे और गुजरात से दिल्ली पहुंच गए इंटरव्यू देने के लिए। ये वही परीक्षा और वही इंटरव्यू था जिसने उन्हें देश का सबसे युवा आईपीएस अधिकारी बनाया है। अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर पिता मुस्तफा और माँ नसीम बानो बेहद खुश हैं और अपने बेटे पर गर्व फील कर रही हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।